हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुज़ैमी ज़ायका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो सऊदी अरबिया से रिलेटेड है, यानी काब्ज़ा की रेसिपी। इसे हमारे यहाँ भी बहुत पसंद किया जाता है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देर नहीं करते हैं, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक फ्राई पैन में हम लेंगे 8 हरी इलायची, 2 से 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 सूखी लाल मिर्च। अब इन मसालों को हम लो फ्लेम पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर एक मिक्सर जार में हम इन मसालों का एक पाउडर बना लेंगे। इन मसालों को हमें बारीक कर लेना है। उसके बाद हम इन्हें एक अलग कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और मसाले, जैसे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस मसाले को हम एक साइड में रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। काब्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 फुल लेग पीस। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस भी ले सकते हैं। अब इन पीसेज में हम गहरे गहरे कट्स लगा देंगे। इसी तरीके से हम सारे पीसेज में कट लगा देंगे और इसे भी एक साइड में रख देंगे। अब हम एक पॉट लेंगे और पॉट इतना बड़ा लेंगे कि उसमें हमारे चावल और चिकन दोनों ही पक जाए। इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें हम कुछ साबुत मसाले डाल देंगे, जैसे दालचीनी, तेजपत्ता और हरी इलायची। ये जैसे ही चटकने लगेंगे हम उसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। प्याज को पूरा फुल ब्राउन नहीं करना है, बस इतनी देर पकाना है जिससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस प्याज को पकाने में बस 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 8 से 10 सेकंड के लिए चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टेबल स्पून लेमन का जूस, 3 मीडियम साइज के बारीक किए हुए टमाटर। आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन के पीसेस को बीच बीच में हम हल्का सा हिलाते रहेंगे वरना वो जल जाएंगे। अब इन चिकन के पीसेस के ऊपर हमने जो मसाला तैयार किया है उसे हम डाल देंगे। ये मसाला हमें बहुत अच्छे से दोनों साइड में चिकन में डालना है। साथ ही थोड़ा मसाला हम बचा लेंगे जिसका यूज़ हम आगे चल के करेंगे। अब एक साबुत नींबू लेंगे और ग्रेटर की हेल्प से हम उसके ऊपर का छिलका धीरे धीरे ग्रेट करके डाल देंगे। लेकिन हाँ, नींबू को जब हम ग्रेट करके डाल रहे होंगे उस वक्त हमें ये ध्यान देने वाला है कि नींबू का जो अंदर का सफ़ेद का हिस्सा है वो ना ग्रेट हो पाए, वरना काब्ज़ा में कड़वापन आ जाएगा। अब हम चिकन के पीसेस को दूसरे साइड में कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मसाला हमें दोनों साइड में डालना है, तो अब इस साइड में भी हम वो पिसा हुआ मसाला हम इसमें लगा देंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट को डालने के बाद हम चिकन को 5 मिनट तक ऐसे ही खुले में फ्राई कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि सऊदीयन रेसिपी में मिर्चा बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो आप मिर्चे की क्वांटिटी और कम भी कर सकते हैं। हमने इसमें 4 से 5 हरी मिर्च भी इस्तेमाल की है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब लिड लगाकर हम इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम को लो में कर देंगे। 10 मिनट के बाद चिकन हम चेक करेंगे।
और इसमें हम 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे, या आप इस अंदाजे से भी डाल सकते हैं जिससे चिकन के पीस अच्छे से डूब जाएं। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें फिर से लिड लगा देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे जिससे चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। जब तक चिकन हमारा पक रहा है हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म घी में हम डाल देंगे 17 से 18 पीस बादाम के। पहले इन्हें हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे क्योंकि बादाम थोड़ा देर से फ्राई होते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 15 काजू। अब हम 1 से 2 मिनट तक काजू को बादाम के साथ फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 20 से 25 किशमिश, आप चाहें तो अखरोट या और भी कोई ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस जैसे ही किशमिश हमारी फूल जाएगी हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। फ्राई करने के वक्त गैस की फ्लेम को लो में रखेंगे। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम अपना चिकन भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इन चिकन की पीसेस को हम एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन को पकाने में जो मसाला और पानी यूज़ हुआ है उस पानी को थोड़ा हम क्वांटिटी में लेंगे और उस मसाले में मिक्स कर लेंगे जिससे ये गीला हो जाए। इस सूखे बचे हुए मसाले में मैंने थोड़ी हल्दी और कश्मीरी मिर्च और मिक्स की है। अब इस मसाले को भी हम एक साइड में रख देंगे। ये मैंने 500 ग्राम बासमती राइस पहले से ही सोख करके रखे हुए थे। अब इन चावलों को हम इसी पानी में डाल देंगे। बासमती राइस को बस मैंने आधे घंटे के लिए सोक किया था क्योंकि ये बहुत देर तक सोक नहीं किए जाते हैं, ये बहुत जल्दी सोक हो जाते हैं। अब एक बार हम चम्मच से चलाकर चावलों को बराबर कर लेंगे और इसका पानी चेक करेंगे। क्योंकि चावल हमारे सोक किए हुए हैं इसलिए इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा इतना पानी होना चाहिए कि ये अच्छे से पक जाएं। चावल की लेयर से बस थोड़ा सा ज़्यादा पानी होना चाहिए वरना चावल हमारे गीले हो जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद एक बार हम इसका नमक भी टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगता है तो थोड़ा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन चावलों को हम फुल फ्लेम पर ऐसे ही खुले में पकने देंगे। अगर इस कंडीशन में हम लिड लगा देते हैं तो चावल हमारे एकदम गीले हो जाएंगे, इसलिए चावल स्टार्टिंग में हमेशा खुला करके ही पकाइए। जब चावल हमारे 80% तक पक चुके होंगे और पानी भी हमारा थोड़ा सा बचेगा तब हम लिड लगाकर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं। जो मसाला हमने बचा कर रखा था उसे हम चिकन के पीसेज में अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इस मसाले को हम चिकन के दोनों तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए चिकन में बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों साइड में ये मसाला लग गया है। अब वही फ्राई पैन लेंगे जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, इसमें वही घी बचा हुआ है। अब इसी घी में हम चिकन के पीसेस को अच्छे से रख देंगे और इन्हें लो फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
बीच में गैस की फ्लेम को हम मीडियम में भी कर देंगे। क्योंकि चिकन हमारे पहले से ही पके हुए हैं, इसलिए इसमें फ्राई करने में देर नहीं लगेगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा। इस तरीके से चिकन के पीस हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। 5 से 10 मिनट हो चुका है। अब हम लिड हटाकर चावल चेक करेंगे। इन चावलों में हम चिकन के पीसेस रख देंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक दम लगा देंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपका बर्तन हल्का है तो नीचे से आप कोई तवा रखें। मैं एक काम और करती हूँ, एक गैस स्टैंड के ऊपर एक गैस स्टैंड और रख देती हूँ, जिससे ये बहुत ही अच्छे से दम में लगता है और ये जलता भी नहीं है। तो बस थोड़ी देर के बाद हम लिड हटाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा काप्सा तैयार हो गया है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो बस गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए हम एकदम अरबियन स्टाइल में ही सर्व करेंगे, यानी एक बड़े बर्तन में, जिससे इसका लुक भी सेम वैसा ही होगा। ऊपर से चिकन के पीसेस हम रख देंगे और फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। मेरे घर पर तो इसे बहुत पसंद किया गया। आप भी मेरे बताए हुए मेथड से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको कोई और रेसिपी की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मुझे यानी हुज़ैमी ज़ायका को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।